गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 96, जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 23 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी अपना चैप्टर रिविजन करेंगे। आपको पता है वर्क कब डन होता है? जब हमारा फोर्स सप्लाई होती है और उसमें चेंज आता है। अगर किसी आपने ऑब्जेक्ट को धक्का दिया तो उस पर फोर्स अप्लाई करा और वो थोड़ा मूव करके इधर पहुंच गई तो उस पर फोर्स लगा और वो मूव करी तो उसमें वर्क डन हुआ। सो प्रोसेस जैसे रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, थिंकिंग, सोचना, इन्हें हम वर्क, साइंटिफिकली वर्क नहीं बोलते। अब किसी वर्क को हम वर्क डन कब कहेंगे? जब वहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा और बॉडी मूव करेगी। यानी अगर हमने इसे धक्का दिया तो ये इस पर हमने फोर्स अप्लाई करा और ये यहाँ आके मूव कर रही है। यानी इतना ये यहाँ से यहाँ तक आ गई तो ये मूव कर रही है। तो दो कंडीशन हो गई, अगर फोर्स लग रहा है और वो मूव करेगी देन वर्क हमारा डन हो जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो वर्क डन नहीं हुआ। अगर अब एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं जहाँ पर वर्क नहीं होता, जैसे अगर आप एक दीवार पर फोर्स लगा रहे तो वॉल तो कभी मूव करेगी नहीं तो ये वर्क डन वहाँ नहीं होगा। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन ही शोल्डर, अगर एक बच्चा है अपने शोल्डर पे बैग खड़ा है तो बैग लेके खड़ा है तो ना बैग मूव कर रहा है ना बच्चा मूव कर रहा है तो ये भी वर्क डन नहीं है। मूवी देख रहा है तो वो यहाँ पर भी वर्क नहीं हो रहा। बात करें यहाँ पर भी वर्क नहीं हो रहा। जहाँ पर मूवमेंट होगी और फोर्स लगेगा वही वहाँ पर वर्क डन होगा। अब यहाँ पे वर्क डन के लिए एक मैथमेटिशियल एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं आपको। आपको पढ़ता है वर्क डन फोर्स के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो कि अप्लाइड हो किसी ऑब्जेक्ट पे वो और उसके डिस्प्लेसमेंट में, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू एस, एफ इंटू एस। अब फोर्स ऑब्लिकली किसी पे फोर्स ऑब्लिकली एक्ट करे तो हम उसे W=FS cos θ भी लिख सकते हैं। अब वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नेटिक होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन की यूनिट है न्यूटन मीटर या जूल। एक जूल हमारा होता है जब एक फोर्स यानी एक न्यूटन डिस्प्लेस करता है 1 मीटर अलॉन्ग अ लाइन ऑफ द फोर्स, यानी 1 जूल = 1 न्यूटन × 1 मीटर। नेक्स्ट है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। अब यहाँ पे आपको एक बात बता रही है, अगर हम इस बॉक्स का एग्जांपल लें, अगर हम इसे इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये इधर ही मूव करेगा, इधर आके इधर आ जाएगा तो हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे एक चाइल्ड पुलिंग अ कार, एक आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मैग्नेट को। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर धक्का मार रहे हैं पर वो आ इधर रही है यानी इधर बढ़ रही है तो वर्क हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो ऑब्जेक्ट की है वो अपोजिट है एप्लीकेशन की, यानी -FS या -F - S लिख सकते हैं। जैसे आप मूविंग कार में अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक, या गोलकीपर जो कि गोल को रोक रहा है। अब वर्क ज़ीरो कब कहलाएगा? जब किसी आप ऑब्जेक्ट को फोर्स भी लगा रहे हैं और वो मूव भी नहीं कर रही, जब जहाँ पे मोशन ना होगा यानी वो मूव नहीं करेगी तो वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा या वर्क डन ज़ीरो होगा। जैसे फोर्स एक्ट हो रहा है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, वाटर एक लोड कैरी कर रहा है अपने हेड पे, तो ये वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वर्क डन और 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे वर्क इज सेट टू व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी द डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कौन कौन सी कंडीशन है वर्क डन की, तो अभी मैंने पढ़ाया था फोर्स अप्लाई होना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि एक लोड पुल हो रहा है फोर्स 15 न्यूटन टू डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट उसमें 2 मीटर की लग रही है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 15 × 2 यानी 30 जूल या 30 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है आपको एग्जांपल बता रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो अपनी डेली लाइफ से।
तो आप यहाँ से लिखेंगे पॉजिटिव वर्क अभी हमने पढ़ा, उसके एग्जांपल हम डायरेक्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि हॉरिजेंटली सरफेस पे है और डिस्प्लेसमेंट की, और वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क तभी होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम CTS इज डाउनलोड डाउनवर्ड डायरेक्शन वेयर डिस्प्लेसमेंट एक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। जो CTS होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो वर्क। तो ये जो ज़ीरो वर्क होता है जब वो परपेंडिकुलरली वर्क करे, जहाँ पे मूवमेंट ना हो, तो जब हम ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं वर्क करते हैं, तो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है पर जो उसकी डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। नेक्स्ट है डिस्कस द वर्क डन इन टग ऑफ वार गेम। तो जब रस्सी खींचते हैं एक दूसरे की, यहाँ पे 10 लोग होते हैं, यहाँ पे 10 लोग होते हैं, दोनों मिलके रस्सी खींचते हैं, वो कहलाता है टग ऑफ वार गेम। आपको उसमें क्या सब वर्क डन होता है ये बताना है। तो टग ऑफ वार गेम में विनर्स वर्क करते हैं, क्योंकि जो विनर है वो अप्लाई करते हैं हॉरिजेंटली फोर्स लूज़र से। सो रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द नेगेटिव वर्क शुड बी डन बाय द लूजिंग टीम। और अगर नेगेटिव वर्क होगा यानी तो टीम लॉस करेगी, वर्क डन जो होगा वो विनिंग टीम का पॉजिटिव होगा और लॉसिंग टीम का नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क तो दोनों ही कर रहे थे, फोर्स दोनों लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट दोनों में था, पर जो जीत गया वो पॉजिटिव, जो हार गया वो नेगेटिव। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।